अब अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भूल जाएं, क्योंकि आ गया है येलो ऐप, जो है फाइनेंस मैनेजमेंट का ऑल इन वन सॉल्यूशन। डाउनलोड करें येलो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये बात है पिछले साल की दिवाली की। मैं और मेरा परिवार छुट्टियां मनाने के लिए गोवा गए थे। छुट्टियां मनाते हुए वहां हमें बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मेरे भाई को अचानक से एक जरूरी काम आ गया और हमें गोवा से पुणे के लिए फौरन रवाना होना पड़ा। और हम लोग शाम के समय निकले थे और इसीलिए कुछ ही देर में रात हो गई, और वो रात भी थी अमावस्या की। कहा जाता है अमावस्या की रातों में भूत प्रेत ज्यादा सक्रिय होते हैं। हम लोग गोवा से पुणे कोल्हापुर के रास्ते से जाने वाले थे, और इस रास्ते में फोंडा घाट नामक एक बहुत ही डरावना सा रास्ता पड़ता है, जिसके एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ है गहरी खाई। गाड़ी चलाते हुए एक छोटी सी गलती और आप कई सौ फीट नीचे जा गिरेंगे। पर यह घाट शुरू होने से पहले वहाँ पुलिस की एक चौकी है। हम लोगों ने इस चौकी के पास से गुजरते हुए गाड़ी धीमी कर ली, और एक पुलिस वाला तेजी से दौड़ते हुए हमारी गाड़ी के पास आया और उसने हमसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? और जब हम लोगों ने जवाब में पुणे कहा, तो उस पुलिस वाले का चेहरा सफेद पड़ गया और कुछ देर तक वो सिर्फ हमें देखते हुए खड़ा था। वो कुछ तो सोच रहा था और इसीलिए मुझे भी चिंता होने लगी थी। कुछ देर बाद वो अचानक से बोला, अच्छा होगा कि अगर आप लोग इस रात को आसपास के ही किसी होटल में गुजारे और अगले दिन अपना बाकी सफर करे। मैंने उससे पूछा, क्यों? अब उसके चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। खिड़की के पास आकर वो बोला, दोस्तों आगे का ये रास्ता भूतिया है और रात के वक्त यहाँ से गुजरना खतरनाक हो सकता है। उसकी ये बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं पहले नेवी में काम कर चुका हूँ और तब मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। मेरे पास मेरी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर थी और इसीलिए मैं किसी से डरने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने कहा, नहीं, हम ये सफर जारी रखेंगे। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े, और रियर व्यू मिरर में हमने देखा कि वो पुलिस वाला आखिर तक हमारी कार की ओर देख रहा था। कुछ देर बाद रास्ते पर एक लंबा सा मोड़ आया, जिसे पार करते हुए हमने देखा कि कुछ दूरी पर रास्ते की बाई तरफ एक औरत खड़ी है और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। उन दोनों को देख कर मैं जरूर चौंक गया था। मैं सोच रहा था कि इतनी देर रात इस सुनसान रास्ते पर यह औरत अपने बच्चे के साथ क्यों खड़ी है। हम लोगों की कार बड़ी थी, इसीलिए उसमें और दो लोग आराम से बैठ सकते थे, और मेरे भाई ने गाड़ी धीमी करते हुए रोक दी। और मैंने उस औरत से पूछा, क्या हुआ मैडम, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? ये बात सुनकर वो दो कदम पीछे हट गई, पर उसने जवाब नहीं दिया। अजीब बात थी कि वो औरत सिर्फ नीचे देख रही थी। उसके खुले बालों से उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। फिर मैंने उसके साथ मौजूद बच्चे को देखने की कोशिश की, पर मैं ऊंचाई पर बैठा था, इसीलिए मुझे सिर्फ उसका सिर दिखाई दे रहा था। फिर मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैडम कोई प्रॉब्लम है क्या? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज के कारण मेरी भाभी की नींद खुल गई और उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। फिर मुझे कुछ टकराने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर आवाज की तरफ देखा तो मेरी भाभी सांस नहीं ले पा रही थी और मेरे भाई के सीट के पीछे लात मार रही थी। पर मेरा भाई उस औरत की तरफ देख रहा था और उसे कोई होश नहीं था। तभी मैं जोर से चिल्लाया, गाड़ी भगाओ। मेरी आवाज सुनते ही मेरा भाई होश में आया और उसने तेज रफ्तार से गाड़ी निकाली, और कुछ ही पलों में हमारी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच गई। और तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वही औरत थी जो अब हमारी गाड़ी जितनी रफ्तार पर दौड़ रही थी। और मैंने मेरे भाई से कहा,
गाड़ी चलाते रहो और रास्ते पर ध्यान रखो। मुझे पता है अगर मेरा भाई उस औरत को देख लेता तो वो डर जाता और यकीनन हमारी कार रास्ता छोड़कर खाई में गिर जाती। कुछ देर बाद वो औरत अचानक से गायब हो गई और थोड़ी ही दूरी पर हमें एक मंदिर दिखाई दिया। पर हम लोगों में गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए घर आने तक हम लोग शांति से गाड़ी में ही बैठे रहे। और आज भी जब ये घटना मुझे याद आती है मेरी तो रूह कांप जाती है। दोस्तों, येलो ऐप एक ऑल इन वन फाइनेंस मैनेजमेंट ऐप है जिसमें आपको कई सारी यूटिलिटीज मिलती हैं, जिनकी मदद से आप अपना क्रेडिट कार्ड स्कोर और ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। और येलो ऐप की मदद से आप खुद का डिजिटल सेविंग्स बैंक अकाउंट सिर्फ चंद मिनटों में बना सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस ऐप के जरिए 15 लाख तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो येलो ऐप में मौजूद एम पॉकेट एप्लीकेशन के जरिए आप अपना खर्चा चलाने के लिए 500 रुपए से लेके 2000 तक का छोटा लोन निकाल सकते हैं। तो जरूर ट्राई करें येलो ऐप। डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये कहानी है मेरे दादाजी की और ये घटनाएं उनके साथ दिवाली के दिनों में घटी थीं। ये बहुत सालों पहले की बात है जब एक गांव दूसरे गांव से बहुत दूर हुआ करता था और लोगों को पैदल चलकर ये सफर तय करने में कई दिन लग जाते थे। और ऐसे ही एक साल मेरे दादाजी उनकी छोटी बहन के ससुराल दिवाली मनाने के लिए जा रहे थे। पहले ही दिन कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद दादाजी बुरी तरह से थक गए थे और इसीलिए वो रात को सोने का कोई ठिकाना देखने लगे। अंधेरा होने ही वाला था कि तभी उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी औरत मेरे दादाजी को रात भर आश्रय देने के लिए तैयार हो गई और इसीलिए दादाजी को वो औरत बहुत ही दयालु लगी, क्योंकि उस जमाने में अनजान लोग इस तरह से अकेले रहने वाली बूढ़ी औरत को बड़ी आसानी से लूट लेते थे। इसलिए उस बूढ़ी औरत का मेरे दादाजी पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा असामान्य था। कुछ देर बाद उन दोनों ने साथ बैठकर लालटेन के उजाले में खाना खाया। फिर उस बूढ़ी औरत ने मेरे दादाजी के लिए बिस्तर बिछा दिया और खुद कमरे की दूसरी तरफ जाकर सो गई। पर एक दिक्कत थी, मेरे दादाजी को अंधेरे में सोने की आदत थी, इसीलिए उस लालटेन के उजाले में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सोने के लिए उन्हें वो लालटेन बंद करनी थी, पर दूसरे के घर में आकर वो मनमानी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस बूढ़ी औरत को आवाज दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और इसीलिए दादाजी ने फिर से आवाज लगाई। इस दफा उस औरत ने पूछा, क्या हुआ? तो दादाजी ने पूछा, जी क्या आप ये लालटेन बंद कर सकती हैं, क्योंकि इसकी रोशनी में मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वो औरत दादाजी की तरफ मुड़ी और दादाजी ने कुछ ऐसा देखा कि वो दंग रह गए। उस औरत ने अपने मुंह से एक लंबी सी जुबान निकाली जो किसी सांप की तरह दो हिस्सों में बटी हुई थी और उसने अपनी लंबी जुबान का इस्तेमाल करते हुए उस लालटेन को बुझा दिया और मुस्कुराते हुए मेरे दादाजी को बोली, अब तो नींद आएगी ना। ये सब देखने के बाद दादाजी इतने ज्यादा डर गए कि वो सीधे बेहोश हो गए। और दूसरे दिन जंगल में आए कुछ गांव वालों ने मेरे दादाजी को जंगल के बीचों बीच बेहोशी की हालत में पाया। ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। उस वक्त हमारे गांव में एक प्रेमी जोड़ा था। दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर दिक्कत ये थी कि उन दोनों की जातियां अलग अलग थी और इसीलिए गांव में रहने वाले लोगों को उनका एक दूसरे से प्यार करना खटकता था। इसीलिए एक दिन उस प्रेमी जोड़े ने भाग के शादी करने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से गांव वालों ने उन्हें भागते हुए पकड़ लिया और उन दोनों की इतनी ज्यादा पिटाई की गई
गई कि वो दोनों जान से मारे गए। कुछ समय बाद उस गांव का एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण पास ही के एक गांव में शादी लगाने जा रहा था। वो अपनी साइकिल चलाते हुए ये सफर कर रहा था। शाम होते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई और आंधी तूफान के साथ बिजलियां भी कड़कने लगी। मौसम में अचानक से हुए बदलाव के कारण वो ब्राह्मण बहुत ज्यादा डर गया। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो दो गांव के बीच में था, वहां रुकने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। आसपास बस घना जंगल था। फिर अचानक से उसे शोर शराबे की आवाज आई और बहुत सारी रोशनियां नजर आई, जैसे पास ही में कोई मेला लगा हो। फिर एकदम से उस ब्राह्मण के सामने एक लड़का आया और बोला, अरे पंडित जी, आप तो यहाँ खड़े हैं और वहाँ तो सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो ब्राह्मण उस लड़के के साथ उन रोशनियों और शोरगुल की तरफ बढ़ने लगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद उस ब्राह्मण के ध्यान में आया कि वो कोई मेला नहीं था, बल्कि बड़ी ही धूमधाम से एक शादी हो रही थी। उस ब्राह्मण को फिर शादी लगाने के लिए कहा गया और उसने भी वैसा ही किया। अगली सुबह गाँव वालों ने उस ब्राह्मण को जंगल के बीचों बीच बेहोशी की हालत में पाया। होश आने के बाद उस ब्राह्मण ने गांव वालों को सारी कहानी बताई, पर गांव वालों ने उसे बताया ना तो कल रात बारिश गिरी थी और ना बिजलियां कड़की थी। फिर उन गांव वालों ने सोचा कि शायद ये उन्हीं प्रेमियों की आत्मा होगी जो जीते जी शादी नहीं कर पाए थे, लेकिन मरने के बाद शायद उनकी आत्माओं ने पंडित को चकमा देकर अपनी शादी करा ली, जिसमे गाँव की सारी भटकती हुई आत्माएं मेहमान बनकर थी। दोस्तों, मैं कई डरावनी कहानियाँ अपने YouTube चैनल डार्क अवर स्टोरीज पर अपलोड करते रहता हूँ, तो अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल डार्क अवर स्टोरीज को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ Facebook और WhatsApp पर जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।